हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल सौम्याज किचन में स्वागत है। आज बना रहे हैं दही और खीरे का सैंडविच, कर्ड कुकुम्बर सैंडविच। दही और खीरे का सैंडविच बनाने के लिए चाहिए ब्रेड, खीरा, मक्खन, हंकर, चीनी पिसी हुई, हरा धनिया महीन कटा हुआ, मेयोनीज, ग्रीन चिली सॉस, नमक, नींबू और काली मिर्च। बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे दही। ये हाफ कप दही है बंधा हुआ। दो कप दही को आप चलनी में करके रख दें, हाफ कप हंकर तैयार हो जाएगा। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद दही में डालेंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज। अगर मेयोनीज ना हो तो आप 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। मेयोनीज में भी नमक होता है और ब्रेड में भी नमक होता है। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून चिली सॉस, थोड़ा सा हरा धनिया, करीब 1 टेबल स्पून और करीब 8 से 10 बूंद नींबू के रस की, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब खीरे को छील करके और कद्दूकस कर लेंगे। खीरे को ग्रेट करने से पहले टेस्ट कर लें, अगर वो कड़वा हो तो उसे यूज ना करें। खीरे को ग्रेट कर लिया है। खीरे को जो दही का मिक्सचर बनाया है उसमें डालेंगे, हल्का सा निचोड़ लेंगे जिससे कि जो खीरे में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब खीरे को दही में मिक्स कर देंगे। खीरा अच्छे से मिक्स हो गया है दही के मिक्सचर में। ब्रेड की जो ब्राउन साइड्स हैं उनको निकाल देंगे। सबसे पहले ब्रेड पर बटर लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों साइड बटर लगा सकते हैं। इसके ऊपर खीरे और दही का मिक्सचर रखेंगे। करीब 2 टेबल स्पून खीरे और दही का मिक्सचर रखा है। इसके ऊपर दूसरी वाली ब्रेड रख देंगे। इसी तरीके से सभी सैंडविच तैयार कर लेंगे। खीरे और दही के इतने मिक्सचर में करीब 10 से 12 सैंडविच तैयार हो जाते हैं। सैंडविच आप ये पहले से तैयार करके और क्लीन रैप में पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना हो आप निकालें क्लीन रैप में से और सर्व करें। हाफ काट लेंगे। दही और खीरे का सैंडविच तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।